केविन पीटरसन ने आईना दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। बाहर के जो ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बात करने लग गए हैं। इंग्लैंड वाले जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं ना इंग्लैंड के, ये इस तरह की हरकतें करते हैं कोई भी सीरीज चल रही है। माइकल वॉन की बात कर ली जाए या केविन पीटरसन ने बोया ही है वही काटेगा। आपने बोला कि पिछले 10 सालों में देखें आपकी क्रिकेट कैसे नीचे आहिस्ता आहिस्ता गिरी है। मतलब मैं पहले ही लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट इस बुरे टाइम पे आएगी और लोग अब बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से टेस्ट स्टेटस ही वापस ले लेना चाहिए। अगर पीटरसन ने अपनी तरफ से बोला भी तो पीटरसन को कोई हक नहीं है कि हमारे सिलेक्टर्स को ये बोले कि जी या पीसीबी को ये बोले जी आप स्टूपिड काम कर रहे हैं। ये केविन पीटरसन का काम नहीं है। केविन पीटरसन को चाहिए कि मेरे ख्याल में कि आपको इस टाइप का लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए था जो कि आपने ये लफ्ज यूज किया। यकीन करें इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है ना, एक किताब लिखी जा सकती है, कोई एक वजह नहीं है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देख के हम सबको भी शॉक कर दिया, बदनामे जहां भी कर दिया हुआ है कि मतलब के बाहर के लोग भी हमारे ऊपर बातें कर रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट को हो तो हो क्या गया। पूरी दुनिया हमें नंगा देख रही है, बगैर कपड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सर जब इज्जत बचेगी नहीं तो लोग तो बगैर कपड़ों के देखेंगे हमें। संघ का स्ट्रक्चर इस तरह कभी चेयरमैन नहीं है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज है, कभी मैनेजमेंट में चेंज है, कभी सिलेक्शन कमेटी में चेंज है। ये लगातार जो पिछले 1.5-2 वर्षों में चेंज हुई, उस चेंज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज यहां पर बर्बाद होकर खड़ी है। जितनी हमारी कुछ बची कुछ ही इज्जत रह गई थी अब वो भी पकड़ के उतार दी गई है। मतलब शर्ट तो हमारी उतार ही दी गई थी, अब जो पीछे हमारी कुछ निकर बची हुई थी ना, जो शॉर्ट्स बचे हुए थे उसको भी पकड़ के उतार दिया गया। ओवरसीज प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में बात करेंगे और अगर हमारे प्लेयर्स अटैच हैं उनके साथ ये बोलेंगे उनको कि जी हमारे लिए अब सपोर्ट करें, जो कि ये चीज गलत हो रही है। पीसीबी को इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हम देख रहे हैं जो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हमने कभी देखी नहीं है। व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया भाई साहब? पाकिस्तान की जो क्रिकेट पाकिस्तान में होती है इसको क्या हो चुका हुआ है? इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है, यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की पीआर एजेंट्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कुछ पीआर एजेंट हैं जो उनकी छोटी सी भी परफॉर्मेंस को इतनी हाइप दे देते हैं कि बाज़ोकत प्लेयर उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया हाइप भी, मतलब कुछ मीडिया है जो उनको हाइप देता है और कुछ प्लेयर एजेंट हैं जो क्रिकेटर्स को हाइप देते हैं और खिलाड़ी खुद उस हाइप की वजह से गलत अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि वो शायद कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना इस टाइम सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बिकॉज दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पेन है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत बेहतर हालत में, बिकॉज उन्होंने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट। हमने तो वो दिन भी देखा है जब यूएसए के सामने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जलील हुआ, उसके बाद भी हमारे 3-4 बड़े खिलाड़ियों की पीआर एजेंसीज जो हैं वो इनकी तारीफें कर रही थी, इनको डिफेंड कर रही थी और सोशल मीडिया पे जो फैंस थे, जो बढ़के हुए फैंस थे, उनको जो उल्लू बना रही थी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट मैनेजमेंट को लेकर पहले पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ट्रोल कर किया करते थे, तो वहीं अब इंग्लिश क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर केविन पीटरसन ने इन पाकिस्तानियों की लताड़ लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखते हैं और इनकी मैनेजमेंट को देखते हैं तो हमें शर्माती है कि इनकी किस तरह की मैनेजमेंट है और इनके प्लेयर किस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें शर्मा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी नीचे जा चुकी है, जो कि अब इंग्लिश क्रिकेटर, वो इंग्लिश क्रिकेटर जो कि आके यहाँ इनके वहाँ पीएसएल भी खेलते थे, अब वो भी मतलब इन पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कितने बुरे दिन आ गए हैं। केविन पीटरसन ने आईना दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। ट्विटर पे कल रात को केविन पीटरसन ने मिकी आर्थर के ट्वीट के नीचे ये जवाब दिया कि अगर मैं अपने पीएसएल के दिन याद करूं, यानी 2016-17 की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान के क्रिकेट में वहीं पे मसला था ना, ये ठीक तरह ट्रेनिंग करते थे, अगर करते थे तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते थे ना, इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है, यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। केविन पीटरसन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से एचबीएल पीएसएल खेले हैं और अगर मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता सकूं तो केपी के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। केविन पीटरसन बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर्स की, उनकी टीम की। उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आना इस टाइम सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बिकॉज दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं
पेन है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत बेहतर हालत में, बिकॉज उन्होंने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट। तो जितनी हमारी कुछ बची कुछ ही इज्जत रह गई थी, अब वो भी पकड़ के उतार दी गई, या मतलब शर्ट तो हमारी उतार ही दी गई थी, अब जो पीछे हमारी कुछ निकर बची हुई थी ना, जो शॉर्ट्स बचे हुए थे, उसको भी पकड़ के उतार दिया गया, और अब पूरी दुनिया हमें नंगा देख रही है, बगैर कपड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सर जब इज्जत बचेगी नहीं तो लोग तो बगैर कपड़ों के देखेंगे हमें, और हमने अपने कपड़े खुद उतरवाए हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टिपिकली ड्रामा क्रिकेट बोर्ड है, एक कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है, प्रेशर कुकर बोर्ड है, मतलब प्रेशर में आ गई ये चीजें करते हैं, पैनिक बटन ये दबाते हैं और दुनिया इनका तमाशा देखती है। जिस तरह कल पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को ड्रॉप किया, और घंटे की हरकतें भी ड्रॉप होने वाली थी, ड्रॉप किया, आई थिंक बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत लेट किया, अभी भी बहुत लेट किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, नसीम शाह को ड्रॉप किया, दुनिया ने तमाशा देखा, जिस तरह ड्रॉप का, बाबर को तो घर तक छोड़ गए हैं ये लोग। फिर क्या हुआ, कभी आपने पास में सुना है या अभी कभी रिसेंट पास में ये चीजें सुनी हो कि कोई कोच आपके साथ कोचिंग करके गया हो और बाद में वो आपको जाके एक्सपोज कर रहा हो? पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की पीआर एजेंट्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कुछ पीआर एजेंट हैं जो उनकी छोटी सी भी परफॉर्मेंस को इतनी हाइप दे देते हैं कि बाज़ोकत प्लेयर उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया हाइप भी, मतलब कुछ मीडिया है जो उनको हाइप देता है, और कुछ प्लेयर एजेंट हैं जो क्रिकेटर्स को हाइप देते हैं, और खिलाड़ी खुद उस हाइप की वजह से गलत अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि वो शायद कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं। ये मिकी आर्थर ने कहा है, पाकिस्तान के जो गैर मुल्की कोच हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट अब क्यों इतनी नीचे गिरी पड़ी है, जो उन्होंने रीजंस उनको लगी वो बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि द प्रमोशन ऑफ प्लेयर्स बाय द प्लेयर एजेंट्स एंड मीडिया मेक्स अ प्लेयर समटाइम्स थिंक ही इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन ही इज इन रियलिटी, कि वो जितना हकीकत में है ना उससे ज्यादा खुद को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जिससे एक गलत व्यू उनके अपने आप के बारे में बन जाता है। मिसाल के वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, इन शॉर्ट पंजाबी में जो हम कहते हैं, जिमी की आर्थर कहते हैं कि पीयर एजेंट इतना बड़ा काम कर देते हैं कि प्लेयर खुद समझने लग पड़ता है कि मैं कोई बड़ी ब्लाश है बन गई है। पंजाबी में या जटके अल्फाज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया इंग्लिश में, और उन्होंने बोला कि आपको खुद अपने देश के लिए खेलना ये प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। मिकी आर्थर ने बात तो ठीक ही बोली है कि सोशल मीडिया के स्टार्स हैं हमारे, जब बड़ा मैच आता है फेल हो जाते हैं जी, जब कोई बड़ा इवेंट आता है फेल हो जाते हैं, पाकिस्तान हार रहा होता है और उसके बाद कोई उल्लू का पट्टा है जो पाकिस्तान का फैन है जो इन्हीं खिलाड़ियों की तारीफ करे। हमने तो वो दिन भी देखा है जब यूएसए के सामने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जलील हुआ, उसके बाद भी हमारे तीन चार बड़े खिलाड़ियों की पीआर एजेंसीज जो है वो इनकी तारीफें कर रही थी, इनको डिफेंड कर रही थी, और सोशल मीडिया पे जो फैंस थे, जो बढ़के हुए फैंस थे, उनको जो उल्लू बना रही थी। ये तो हमने कई बार देखा है। मिकी आर्थर ने इसका मतलब यह है कि बात तो सीधी साधी बोली है, और ये पीआर एजेंसीज आपको नजर नहीं आ रहा है कि आप देखें कोई भी खिलाड़ी है, मोहम्मद रिजवान यूएसए में जाके जो है नमाज पढ़ रहा है और वहां पर जो उसकी वीडियो बन के आ जाती है, साथ में कैमरा मैन जो है रखा हुआ है, भाई पैसे दे के इन लोगों ने, मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान में कहीं रोड के किनारे नमाज पढ़ रहा होता है और उसकी जो है वीडियो बन जाती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने इन पाकिस्तानियों की जमकर लताड़ लगाई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग किया है कि किस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी नीचे जा चुकी है, और इनकी मैनेजमेंट की वजह से और इनके जो टीम में ग्रुपिंग चलती है इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी नीचे जा चुकी है कि अब जो मतलब इन छोटी छोटी टीमों से भी हारना शुरू कर दी है, क्योंकि अभी रिसेंट में बांग्लादेश इनको व्हाइट वॉश करके गई थी टेस्ट सीरीज, तो वहीं इंग्लैंड की टीम अभी खेल रही है, पहला टेस्ट मुकाबला तो खत्म हो गया जिसमें इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान टीम की धुलाई हुई है कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे, कि आप पाकिस्तान भी सपने में ही नहीं सोचा होगा कि 500 550 प्लस इनिंग पहले इनिंग में लगाने वाला पाकिस्तान जो मतलब एक पारी और कुछ रन से 47 रन से हारने वाला टीम बन गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी नीचे जा चुकी है कि अब इंग्लिश मतलब एक्स क्रिकेटर भी इन पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी खिलाड़ी जो एक्स क्रिकेटर हैं वही सोशल मीडिया पर आकर ट्रोल करते थे, लेकिन अब इनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई है कि जो PSL में खेले हुए रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, यानी जो मतलब फॉरेनर खिलाड़ी हैं, वो भी इन पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहे हैं कि हम जब मतलब PSL में आकर खेलते थे पाकिस्तान में, तब पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ और थी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी नीचे डिक्लाइन की तरफ जा चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ देखने में हमें शर्म आती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी ना होने के कारण ये सब ज्यादा मतलब हो रही है, और प्लेयर जो है उनके ढेर सारे PR एजेंट हैं, पर्सनल एजेंट हैं, जो कि मतलब इधर उधर की कार्य करते हैं जिस वजह से प्लेयर डिस्ट्रैक्ट होते हैं।
खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।